वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऐसा एक 5 वोल्ट का ऑडियो एम्पलीफायर बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं और ये पावर बैंक या फिर चार्जर की मदद से चलेगा और इसके साथ आप बड़े बड़े स्पीकर्स भी बजा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमको ऐसा एक बॉक्स, एक ऐसा 5 वोल्ट का ऑडियो सर्किट, आउटपुट लेने के लिए ऐसा पोर्ट, एक ऑक्स केबल का इनपुट पोर्ट, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट और एक स्विच और एक इंडिकेशन लाइट। सबसे पहले हम बॉक्स लेंगे और बॉक्स के अंदर कंपोनेंट्स लगाने के लिए हम जगह बना लेंगे। आप देख सकते हैं बॉक्स के सामने की तरफ स्विच, उसके बाद इंडिकेशन लाइट, फिर ऑक्स केबल के इनपुट, फिर दो आउटपुट पोर्ट और एक साइड में माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगाने के लिए जगह बना लिया है। अभी मैं दो आउटपुट पोर्ट और माइक्रो यूएसबी पोर्ट को बॉक्स के साथ लगा दूंगा। अभी मैं 5 वोल्ट ऑडियो बोर्ड लूंगा और उसके अंदर वायर्स कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आउटपुट का कनेक्शन करूंगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर दो आउटपुट पॉइंट्स है और दोनों ही आउटपुट पॉइंट्स में प्लस और माइनस दो करके पॉइंट्स है। तो मैं प्लस में रेड और माइनस में ब्लैक वायर कनेक्ट करूंगा। अभी मैं इसका जो ऑडियो इनपुट पोर्ट है वहाँ पे तीन वायर्स कनेक्ट करूंगा, एक लेफ्ट, एक राइट और एक ग्राउंड के लिए। अभी मैं ऑक्स केबल का जो इनपुट पोर्ट है वहां पे इन तीन वायर्स को कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं कनेक्शन अच्छी तरह से हो गया है। अभी मैं बॉक्स ले लूंगा और बॉक्स के अंदर जो हमारा माइक्रो यूएसबी का जो इनपुट पोर्ट है वहां से जो रेड वायर आ रहा है उसको पहले मैं स्विच से कनेक्ट करूंगा और फिर एक और रेड कलर का वायर लेके स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अभी हम एक एलईडी लाइट ले लेंगे और इसको अपने बॉक्स के अंदर लगा देंगे, लेकिन इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे। अभी हम सर्किट ले लेंगे और सर्किट के अंदर जो हमने वायर्स कनेक्ट किया था आउटपुट का, उन वायर्स को हमारे आउटपुट पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आप यह ध्यान में रखिएगा कि आउटपुट पोर्ट का जो बीच वाला जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव और जो साइड वाला पॉइंट है वो है नेगेटिव। आप इसी तरह से ब्लैक और रेड वायर को कनेक्ट कर दीजिए। अभी हम इसका पावर का कनेक्शन करेंगे। माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो ब्लैक वाला वायर है उसको नेगेटिव में और जो स्विच के अंदर से रेड वायर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। हमारा ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट एकदम रेडी हो गया है। अभी मैं इसका कनेक्शन एक बार और आपको दिखा रहा हूँ। एलईडी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ मैंने एक 47 ओम का रेजिस्टेंस लगा के उसको स्विच के एक साइड में कनेक्ट किया है और दूसरे वाले पॉइंट के साथ एक ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करके नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। हमारे माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो ब्लैक वाला वायर है उसको हमने नेगेटिव में और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको हम स्विच के अंदर से होके पॉजिटिव वाले पॉइंट में लगा दिया। उसके बाद मैंने ग्लू गन की मदद से सब चीज़ों को अपनी जगह पे अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अभी मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा। मैंने एक माइक्रो यूएसबी केबल ले लिया है और इसके माइक्रो यूएसबी पोर्ट के अंदर मैं इसको लगा रहा हूँ। अभी मैं इसका स्विच ऑन करूंगा। आप देख सकते हैं स्विच ऑन करने के साथ ही साथ इसका एलईडी ग्लो कर रहा है। जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम स्पीकर्स के साथ चेक करेंगे। अभी मैं इसको चेक करूंगा। इसको चेक करने के लिए मैंने दो स्पीकर्स ले लिया है। इसको मैं अपने इस 5 वोल्ट ऑडियो एम्पलीफायर के अंदर कनेक्ट करूंगा, उसके बाद इसको मैं चेक करूंगा।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।